यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कालावाली के अनाज मंडी में सरसों बेचने पहुंचे किसानों ने मार्केटिंग सोसाइटी सहकारी समिति हैफेड की दुकान पर जमकर हंगामा किया। किसान कर्णवीर सिंह ने कर्मचारियों पर किसानों से सुविधा शुल्क मांगने का आरोप भी लगाया है और किसानों ने यह कहा कि ज्यादा नमी वाली सरसों की खरीद की जा रही है जबकि कम नमी वाली सरसों की खरीद के लिए सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। मौके पर पहुंचे कालावाली थाना प्रभारी गुलजारी लाल ने किसानों को समझा बुझाकर शांत करवाया। तो किसानों की समस्या कोई पहली नहीं है, अप्रैल महीने से ही जो है खरीदारी शुरू हो चुकी थी फसलों की, चाहे उसमें गेहूं की फसल हो सरसों की फसल हो, लेकिन समय समय पर जो है अनियमितताएं पाई गई हैं। अनाज मंडी की बात करें या दूसरी मंडियों की बात करें जहां पर सरसों की खरीद पहले नहीं हो पा रही थी, तो वहीं अब किसान कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है खरीदारी में। जो कम नमी वाली फसलें हैं उन पर जो है अलग से शुल्क लिया जा रहा है और जो ज़्यादा नमी वाली फसलें हैं सरसों है उसको खरीदा जा रहा है, यानी सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर कोई जांच बिठाता है या नहीं। और कल से यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोग इनको पैसे दे रहे हैं उनकी इन्होंने सरसों 11 मॉइस्चर तक तो लिया, हमारा 9 मॉइस्चर आ रहा है और सुबह उसका 8 मॉइस्चर आ रहा था। इन्होंने हमें हदायत दी कि आप यहाँ पे अपनी ट्रालियां खाली करके प्राइवेट लेबर से इसको साफ करवा लो। हमने 30 रुपए पर क्विंटल दे के प्राइवेट लेबर को यहाँ पे अपनी ट्रालियां सरसों साफ करवा ली है, जो उसमें से गंदमन था वो आधी ट्राली अपनी वापस डाल रखी है। उसके बाद शाम को हवा में नमी के कारण मॉइस्चर बढ़ रहा है, तो उसमें किसान की क्या इसमें हमने खुद सारे जिम्मेदारों ने इन्हीं की मशीन से इन्हीं के हाथों से जो सरसों इन्होंने तोली है उसका मॉइस्चर चेक करवाया है। किसी का मॉइस्चर 9.5 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, ये आपके सामने है, इनसे बात करिए। आप अगर ये कहते हैं कि हम 8 सब नीचे आएगा जो भी हमने सरसों तोली है, हम अपने पल्ले से अपने पास से सारे एक्सपेंसेस हम बेयर करेंगे और अपनी सरसों वापस ले जाएंगे।